asalaamu alaikum hi guys today we're back with another video and this time we're going to talk about surgery books um, of course for mbbs level that is so the first book uh, is bailey and love's short practice of surgery uh, this is a textbook and it two volumes It's a hai, kafi size personally uh, i don't know what the hype is about bailey and love मैंने सुना था कि भाई बड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप की बुक है और बड़ी शानदार रेफरेंस बुक है मुझे ये बुक इतनी सिंपल लगी थी मतलब साइज बड़ा है लेकिन उसमें एक्चुअली चैप्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि पर चैप्टर कोई इतना खास कंटेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट एंड आई वाज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड रीडिंग इट लाइक अ टेक्स्ट बुक सो डेफिनेटली नॉट इनाफ फॉर द एग्जाम्स हाँ इंटरेस्ट के सेक के लिए पढ़ना है तो गो हैड लेकिन आई डोंट रियली लाइक दिस बुक मे बी आप लाइब्रेरी से इशू कर लें शायद खरीदें भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट बुक इज नॉर्मन एल ब्राउज ब्राउज इज इंट्रोडक्शन टू द सिमटम्स इन साइंस ऑफ सर्जिकल डिजीज ये बहुत अच्छी बुक है इसका साइज भी छोटा है और मेरे ख्याल से कंपल्सरी है कि आप ये खरीदें इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है स्टूडेंट uh, फ्रेंडली भी है इजी टू रीड भी है तस्वीरें बहुत अच्छी हैं और बहुत हेल्पफुल है ऑस्की के लिए भी और वैसे भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है क्लिनिकल नॉलेज uh, इसमें बहुत अच्छा है तो मेरे लिए uh, तो ये मस्ट है एम स्टूडेंट के लिए देन दिस इज वहाब डोगर जनरल सर्जरी वहाब डोगर की तीन बुक्स हैं एक्चुअली एक ये वाली है जनरल सर्जरी एक ये है सिस्टेमिक सर्जरी और एक ये है ऑस्की के लिए तो ये बहुत पतली सी बुक है इसमें जनरल सर्जरी के मोटे मोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं हर किस काफ़ी तो नहीं है लेकिन अच्छी है थोड़ी तो सी ब्रीफ है तो इसके साथ आपको और भी मोडलिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जैसे टीचर्स लेक्चर्स और कोई मैनुअल या पॉकेट बुक लेकिन इट्स अ गुड बुक सिमिलरली सिस्टमिक सर्जरी भी बहुत अच्छी है ख़ासतौर पर जब आप आगे जा कर सर्जरी की रोटेशन करेंगे आप देखेंगे कि सर्जरी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं एम बी बी एस लेवल के ऊपर आपसे सुपर स्पेशलिटी का नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन एक थोड़ा सा काइंड ऑफ यू नो टच अपन करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है इसका ख़ासतौर पर यूरोजी का सेक्शन मुझे बड़ा पसंद है और भी इसमें लाइक डिफरेंट ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा इन्होंने डिस्कस किया वैन आई पर्सनली थिंक कि एम के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं और अपनी रोटेशन में जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उसको इसके साथ कंबाइन कर, कर लें तो यह काफ़ी है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है फॉन्ट भी अच्छा बड़ा है तस्वीरें भी अच्छी हैं तो डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू गैट दिस सीरीज़ ये तीसरी किताब है अब्दुल वहाब डोगर प्रैक्टिकल गाइड टू ऑस्पी ऑस्की एंड क्लिनिकल मैथज इन सर्जरी बहुत अच्छी बुक है ये भी बहुत पतली है और मुझे पर्सनली ये बहुत 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 एक्सेलेंट लगी थी ऑस्की की तैयारी के लिए क्योंकि इसमें टू द पॉइंट क्लियर कंसाइस और वेरी हाई पॉइंट्स किए हुए हैं इसमें इमेज हैं इसमें वो जो टिपिकल ऑस्की का जो आपका पेशेंट केस होता है ना वो वाली तस्वीरें हैं वो वाले रेज हैं वो वाली फाइंडिंग्स हैं तो आई लव इट ये तो ज़रूर ज़रूर लेनी है नैन दे इज वॉशिंगटन मैनूअल ऑफ सर्जरी आगे जाके जो मैं वीडियोस बनाऊँगी यू विल डिस्कवर कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वॉशिंगटन मैनुअल होता है मुझे किसी ने कहा था कि ये बुक लें अच्छी है मोटी सी बुक है ये पॉपुलर है इसमें कंटेंट भी काफ़ी है लेकिन बहुत स्मॉल टेक्स्ट है इसको रीड करना बहुत बोरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम्स के हिसाब से ये बुक नहीं थी एटलीस्ट एम बी बी एस लेवल के एग्जाम्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बुक लेना ज़रूरी है तो लेनी है तो ले लें बुरी नहीं है लेकिन इट्स ओके इफ़ यू स्किप बाइंग दिस अच्छा ये बुक मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट खुद खरीदी थी इट वॉज नॉट रिकमेंडेड टू मी बाई एनी वन बट आई वॉज रियली हैप्पी कि मैंने ये बाय किया इट्स कॉल्ड सर्जिकल रिकॉल लोअन एच ब्लैक वर्न आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट दिस इज़ अ रेली गुड बुक ये भी uh, मोटी थी बुक इट लुक्स लाइक हैंड बुक टाइप ऑफ बुक लेकिन काफ़ी थिक थी और इसका uh, यूनिक सा स्टाइल है इसमें चैप्टर वाइज uh, जिस तरह वाइवा के क्वेश्चन होते हैं ना एक क्वेश्चन एक लाइन का और एक जवाब एक लाइन का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर फिर सिंपल क्वेश्चन से शुरू होता है और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं तो मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि ये इन्होंने वाइबा के लिए बनाई हुई है लेकिन इट्स रियली कूल मतलब अपने आप को क्विज करने के लिए बुक बड़ी अच्छी है तो एक दफ़ा जब आप पढ़ लें तो इस बुक को उठा के अपने नॉलेज को चेक करें जो चीज़ नहीं आती उसको नोट कर लें जो चीज़ आती है उस पर खुश हो जाए कि आपको आती है तो थोड़ी सी डिटेल इसमें ज़्यादा है एम बी बी एस लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा हाई लेवल है ये तो पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी हेल्प होगी इससे और एम बी बी एस स्टूडेंट्स को भी होगी तो मेरा मशवरा है कि ये बुक ले लें तो अच्छा है नाउ कैपलन सीरीज ये शायद वाहिद कैपलन सीरीज की बुक है जो मुझे इंतहाई यूजलेस लगी थी लेने में मतलब इसको लेना ना लेना एक बराबर बात है मेरे लिए इतनी बेसिक इतनी सिंपल के मतलब समझ ऐसा लगता था कोई एफर्ट ही नहीं है इसको लिखने में इट वाज सो इजी तो बट बिल्कुल जरूरी नहीं है ये लेना यू कैन ईजिली स्किप बांग दिस वन देन देर इज पॉकेट बुक सर्जरी ये बुक अच्छी थी छोटी सी बुक है पॉकेट बुक है इट कैन फिट इन योर पॉकेट और थिकनेस भी मॉडरेट है कंसाइज है टू द पॉइंट है हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आपको तो फॉर द सेक ऑफ रिविजन इज़ गुड जाहिर है टेक्स्ट बुक को तो ये रिप्लेस नहीं करती यू हैव टू कम्बाइन इट विद द टेक्स्ट बुक बट इट्स अ गुड बाय देन देर इज सिंगल बेस्ट आंसर्स इन सर्जरी हमारे सीनियर्स ने हमें सजेस्ट की थी कि आप लें और वाकई बहुत अच्छा मशवरा था छोटी सी बुक है ये और इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनके साथ उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है द बैक तो मैंने पर्सनली फील किया था कि इसके बड़े कॉन्सेप्शुअल किस्म के सवाल होते हैं अगर आपकी लर्निंग अच्छी है यू वांट टू चेक कि मैंने चैप्टर सही पढ़ लिया तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट आप उनकी एक्सप्लेशन पढ़ के सीख लें उस वक्त करेक्ट योर यू नो तो एंड ऑल्सो इसके क्वेश्चन आर वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन विद So I recommend that you buy this. This book hai. but I guess that doesn't matter if the content is good, right? So yeah, I suggest that you buy this for the sake of exam preparation. And that was it for MBBS level surgery books. I hope you liked this video. And I'll see you in the next one. Bye.